कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज, बारामती। आप सभी का स्वागत है आज की इस लेक्चर में। आज हमारा जो विषय है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। वो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1885 में जिसका गठन हुआ था, यहाँ से अपनी परिचर्चा प्रारंभ करेंगे। एक महत्वपूर्ण घटना थी आधुनिक भारतीय इतिहास में, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कौन से कारक थे, इसके पीछे क्या इतिहास था, पृष्ठभूमि कैसी थी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी है। हम जानते हैं, जैसा कि हमने पहले के लेक्चर में बताया भी था, कि जब 1857 का पहला स्वाधीनता संघर्ष हुआ तो दुनिया के इतिहास में इतना भयानक दमन पहले कभी नहीं हुआ। 1857 का जब प्रथम स्वाधीनता संघर्ष समाप्त हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय क्रांतिकारियों, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था या जिन्होंने उनकी सहायता की थी या उनके परिवार के लोग या भारत के युवा जो किसी भी प्रकार से उसमें शामिल थे, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को फांसी की सजा दी गई, बहुत लोगों को तोप छुड़वा दिया गया, बहुत सारे लोगों को जेल में भेजा गया। ऐसा दमन संभवतः विश्व इतिहास में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस वातावरण में 1857-58 के बाद में जो युवा थे वो जेल भेजे गए, उनको फांसी की सजा दी गई, जो वृद्ध थे उनको सजाएं दी गई, तो समाज में एक प्रकार से राजनीतिक शून्यता। अब भारतीय महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारियां पड़ गई थी। नंबर एक कि कैसे अपना परिवार चलाया जाए, क्योंकि घर में कोई ऐसा मेल नहीं बचा था तो जो पारिवारिक जिम्मेदारियां लेता। दूसरा कि किस प्रकार से इस क्रांति की ज्वाला को जलाए रखा जाए। ये दोनों जिम्मेदारियां भारत की महिलाओं ने बखूबी निभाई। उन्होंने आने वाले अपनी पीढ़ी को भारत की आजादी के लिए तैयार किया और जो लोग बंद थे उनकी पैरवी की, उनके मुकदमे लड़े और अपने परिवार का भरण पोषण भी किया। इसलिए हम देखते हैं कि 1857 से लेकर के 1885 तक कोई बहुत बड़ी राजनीतिक घटनाएं हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुई, एक वैक्यूम जैसा दिखता है। ऐसे में 1885 में जो ए.ओ. ह्यूम साहब थे, एक रिटायर्ड आईसीएस अफसर थे, उन्होंने उनकी प्रेरणा से या उनके संयोग से पहले तो भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884 में स्टैब्लिश हुआ, जिसको आगे चल करके जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। इसका नाम बदलने का जो प्रस्ताव था वो दादा भाई नेहरू जी ने दिया था, उसका नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC।
जिसकी आधारशिला रखी थी एओरू जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे। ये एक संगठन तैयार किया गया जिसका काम था कि क्या जनमानस में चल रहा है, क्या हमारी डिमांड्स हैं, क्या हम चाहते हैं। वो साल उस पर काम करते थे और उसका एक सालाना मीटिंग होती थी दिसंबर के अंतिम तारीखों में भारत के अलग अलग क्षेत्र में, और उन मीटिंग्स के माध्यम से वो अपने एजेंडे तय करते थे और फिर उस एजेंडे से ब्रिटिश हुकूमत को अवगत कराते थे कि हमारी क्या मांग। इसमें एक बड़ी सर्वमान्य थ्योरी दी जाती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में क्यों एक ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी का अहम रोल रहा, उन्होंने बढ़ करके इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। तो एक थ्योरी है सुरक्षा वॉल की थ्योरी, सेफ्टी वॉल, सुरक्षा वॉल की थ्योरी। इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा आपसे, क्या है सुरक्षा वॉल थ्योरी। थोड़ा सा अपने विद्यार्थियों के लिए मैं थोड़ा सा लेमैन भाषा में बताना चाहूँगा। हम सब ने अपने घर में एक खाना बनाने वाला प्रेशर कुकर जरूर देखा हो। उस प्रेशर कुकर में जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो नीचे से आग जलती रहती है, और आग जलने के बाद में जब उसमें प्रेशर बन जाता है तो उसकी सीटी बजती है और सीटी के माध्यम से प्रेशर रिलीज हो जाता है। यदि किसी कारणवश सीटी से प्रेशर रिलीज नहीं हो पाता और सीटी में कोई कचरा फंस जाता है तो अब स्थिति आ जाती है प्रेशर कुकर के फट जाने की, जैसे कि 1857 में फटा। तो अब उसकी स्थिति आती है प्रेशर कुकर फट जाने की, जिससे कि ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सीटी और कुकर के फटने के बीच में एक सेफ्टी वॉल कुकर के ढक्कन में लगा दिया जाता है कि जिससे अगर वो सीटी किसी कारण से नहीं बच पाई है, उसका प्रेशर नहीं निकल पाया है, तो वो सुरक्षा वॉल जो लगा हुआ है, सेफ्टी वॉल जो लगा हुआ है, उसके वो निकल जाता है, उससे प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो कुकर फट नहीं पाता है, जिससे कि नुकसान कम होता है। तो यही थ्योरी दी गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, क्योंकि 1857 में एक विप्लव फट चुका था, भारतीय जनमानस के मन का आक्रोश सड़कों पर क्रांति के रूप में उतर चुका था। दोबारा ऐसा विप्लव ना होने पाए, दोबारा इस प्रकार से विद्रोह ना होने पाए, इसलिए ये सेफ्टी वॉल की संख्या दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि अगर हमको संवाद का मौका मिल जाता है तो कई बार विवाद नहीं होता, अगर अपनी बात किसे कह पाते हैं। जहां कहीं भी संवाद है वहां विवाद के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो भारतीयों को संवाद के लिए ये प्लेटफॉर्म मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में, जहां वो अंग्रेज हुकूमत से अपनी बात कह सकते हैं, और कहने के बाद में जिसको एक तरीके से कहते हैं हम ज्ञापन देना, उनसे अवगत करा सकते, अपना ज्ञापन दे सकते थे, और ब्रिटिश हुकूमत उनको आश्वस्त करती थी कि इस पर विचार किया जाएगा, जो विचारणीय बिंदु होंगे, और उसके बाद में ये जो लोग अपने लोगों के बीच जाके बताते थे कि हमारी वार्ता हो चुकी है ब्रिटिश हुकूमत से, हमने अवगत करा दिया है, और संभवतः इस पर कोई ना कोई सकारात्मक पहल या हल जरूर होगा। तो समाज में जो लोग थे उनको ये मैसेज जाता था कि ब्रिटिश हुकूमत हमारी बात सुन रही है, इसलिए विद्रोह के चांसेस कम हो जाते थे। आदमी सड़क पर तब उतरता है जब उसकी मांगे नहीं मानी जाती, जब उसको ध्यान से नहीं सुना जाता, जब उसकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये सेफ्टी वॉल थ्योरी थी जिसको मैंने प्रेशर कुकर से कोरिलेट करके आपको समझाने का प्रयास किया। इसीलिए देखिए कि आप 1857-1885 के बाद में कोई 1857 जैसा भीषण विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष जैसा कोई घटना नहीं घटी होती है, अनुनय विनय के माध्यम से ही बात होती है, और फिर क्रांतिकारी विचारधारा एक अलग जन्म लेती है। इसका जो एजेंडा तय किया गया वो हुआ कि इसका भारत के विभिन्न कोनों में अलग अलग जगह पर हर साल इसकी एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, दिसंबर के लास्ट 3 तारीखों में 3 दिवसीय, और
उसमें उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा जो कि वहां का नहीं होगा जहां पर ये मीटिंग कंडक्ट हो रही है। जैसे अगर कलकत्ता में मीटिंग कंडक्ट हो रही है तो कलकत्ता का व्यक्ति उसका राष्ट्र अध्यक्ष नहीं। तो इसकी पहली मीटिंग जो होता है, पहला अधिवेशन जो इसका प्रस्तावित होता है वो पूना में प्रस्तावित होता है, परंतु वहाँ प्लेग फैल गया, महामारी फैल गई, जिस कारण इसका स्थान परिवर्तन करना पड़ा और पूना की बजाय इसको मुंबई में इसकी पहला अधिवेशन किया गया 1885 में। जिस विद्यालय में किया गया था उसका नाम था तेजपाल संस्कृत पाठशाला, जो कि बॉम्बे में थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी। इसमें पहली बार में लगभग 72 लोगों ने शामिल हुए और इसकी मीटिंग कंडक्ट। अब कई बार हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसी प्रकार से जब इसकी पहली मीटिंग कंडक्ट हुई बॉम्बे में, तो दूसरा जो अधिवेशन था, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन भी था, वो 1886 में कलकत्ता में हुआ, और जिसकी अध्यक्षता करी, जिसको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, दादा भाई नेहरू जी। ये पारसी थे, इनके द्वारा कंडक्ट हुई। कई बार प्रश्न पूछा था कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे। फिर तीसरा जो अधिवेशन हुआ वो अधिवेशन हुआ मद्रास 1887 में। लगातार देखिए, पहला बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, एक ट्रायंगल जैसा बन रहा, अलग अलग देश, एक भारत का पश्चिमी हिस्सा, एक भारत का पूर्वी हिस्सा, एक भारत का दक्षिणी हिस्सा। तीसरा जो हुआ वो मद्रास में हुआ, और इसकी अध्यक्षता करी बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतवर्ष के पहले मुस्लिम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और सदस्यता भी देखिए, पहले में जो सदस्यता, जो जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जब दूसरा हुआ तो लगभग 434 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो कलकत्ता में हुआ बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में। तीसरा जो हुआ वो मद्रास में हुआ, और जिसके जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे के अध्यक्ष थे, दूसरे के दादा भाई नेहरू जी थे। इसमें लगभग 607 लोगों ने इसकी सदस्यता ली, सदस्य मीटिंग में शामिल हुए। और जो चौथा था वो जो आपका आधुनिक प्रयागराज, जिसको समय इलाहाबाद के नाम से जानते थे, चौथी कांग्रेस का मीटिंग जो वार्षिक अधिवेशन था वो प्रयागराज में हुआ, और इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूली, जो कि पहले ब्रिटिश भारतीय, जो ब्रिटिश भारतीय अध्यक्ष थे। तो आप इस प्रकार से देखिए इसका चरित्र कितना बड़ा था, और उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि पहला जो थे डब्ल्यू सी बनर्जी साहब थे, दूसरे पारसी थे दादा भाई नेहरू जी साहब थे, तीसरे मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, चौथे में जो हमारे ब्रिटिश ईसाई थे जॉर्ज यूल थे। तो विभिन्नता भी थी इसके संगठन में, जिससे कि सबको समाहित किया जा सके, और सब तरफ भारत के हर कोने में इसकी मीटिंग कंडक्ट कराई जा रही थी। इसके पीछे उद्देश्य था कि भारत के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक हिस्से को छुआ जा सके, और भारत के हर तबके को इससे जोड़ा जा सके, जिससे कि यह संगठन जो है सही मायने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाए, कोई क्षेत्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना रहे, हर वर्ग को इससे जोड़ा जाए। सही तरीका भी इसका ये था, अगर किसी संस्था को भारतीय राष्ट्रीय संस्था बनाना हो। अब अगर हम देखें कि इनकी एजेंडे क्या थे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो था वो एजेंडा क्या था, तो हम पाएंगे कि देशवासियों में, जो भारत के अलग अलग देश, क्योंकि हम पूरब में, पश्चिम में, बंगाली में, कन्नड़ में, हिंदी में, पंजाबी में, मराठी में पढ़ेंगे, ऐसे में सबको एक धागे में पिरोना भी बहुत जरूरी था। देशवासियों में घनिष्ठता लाई जाए, उनमें आपस में मित्रता उत्पन्न की जाए, इसके लिए जरूरी था कि हर वर्ग, हर चरण के लोगों को आपस में जोड़ा जाए और बातचीत की जाए, संगठन मजबूत किया जा सके। दूसरा, जाति से, क्योंकि हमारा, हमने आपसे पहले भी कहा था कि
हम बहुत ज्यादा चीजों में बटे हुए थे, जात में, धर्म में, भाषा में, क्षेत्र में, संप्रदाय में। तो जाति, धर्म, प्रांत, इस सारे पूर्वाग्रहों को का उन्मूलन किया जाए और एक भारत, सशक्त भारत का निर्माण किया जाए, एक भारतीयता की भावना को उत्पन्न किया जा सके। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट था कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना। अभी तक तो राष्ट्र की ही परिकल्पना नहीं थी, राष्ट्र और राष्ट्रवाद दोनों को एक नए आयाम दिए जा सके, तो राष्ट्रीयता की भावना को भी बढ़ाना इसका एक महत्वपूर्ण प्रयास था। जो शिक्षित वर्ग था, अमूमन शिक्षित वर्ग ज्यादातर ब्रिटिश का समर्थक था, तो शिक्षित वर्गों की सहमति जो है, जो जो बड़ी समस्याएं थी, जो विकट समस्याएं थी, चाहे वो स्वराज की बात होती हो, चाहे वो प्रेस एक्ट की बात होती हो, चाहे शस्त्रों की बात होती हो, तो जो विकट समस्याएं थी उस पर शिक्षित लोगों की, वर्गों की सहमति जरूर थी, और जो लोकहित की भावनाएं थी जिससे लोक का कल्याण हो सके, उसमें भावी कार्य दिशा का निर्धारण भी बहुत जरूरी था, उसका एक प्रमुख उद्देश्य। अब हम देखें कि 1885 में जब इसका गठन हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तब से लेकर के 1905, जहां पर हमारा बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, उसमें क्या क्या उद्देश्य थे और क्या क्या मांगे उन्होंने अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रखी, तो उसको अगर अलग अलग खंड में करके भी देखें तो हम बांट भी सकते हैं कि उनकी राजनीतिक मांगे क्या थी, उनकी प्रशासनिक मांगे क्या थी, उनकी आर्थिक मांगे क्या थी, लेकिन एक समाहित वर्ग से मैं उसको बांधने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहली चीज थी कि ब्रिटिशर्स को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराना। वो तो कौन कराएगा, हर व्यक्ति तो जाकर के अवगत कराएगा, उसके लिए एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता थी, वो कांग्रेस थी, तो वो भारतीयों क्या समस्या है उससे अवगत कराना ब्रिटिशर्स को, ये जिम्मेदारी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। जो विधान परिषदें थी उसमें विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़े और उनकी कुछ हक अधिकार भी बढ़ाए जाए, उनके हक भी बढ़ाए जाए, उनके अधिकार भी बढ़ाए जाए, उनकी सदस्यता भी बढ़ाई जाए, इसको लेकर के भी वो मांगे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखी। उस समय जो आईसीएस जिसको बोलते हैं भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस, उसकी परीक्षाएं इंग्लैंड में हुआ करती थी, लंदन में हुआ करती, तो भारतीय लोग उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते थे, साधन संपन्न थे तो सम्मिलित हो जाया करते थे, लेकिन जो साधन संपन्न नहीं थे उनको सम्मिलित करने के लिए ये मांग रखी गई कि भाई आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी हो, जिससे कि भारतीय लोग भी इसमें शामिल हो सकें और भारत में अपना सिविल सेवा में अपना योगदान दे सके। तब तक न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एक थे, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात, इसकी मांग उन्होंने रखी कि न्यायपालिका को पृथक किया जाए और कार्यपालिका को पृथक किया जाए, जिससे कि काम सहजता के साथ, आसानी के साथ में हो सके। आज जैसी प्रेस को स्वतंत्रता नहीं थी, प्रेस को आज बहुत स्वतंत्रता है, बहुत आजादी है, उस समय प्रेस पर बहुत सारे प्रतिबंध थे। कुछ प्रतिबंध तो ऐसे थे कि जो न्यूज छपनी होती थी उस न्यूज को पहले ब्रिटिश हुकूमत से पास कराना होता था, और जब वो पास हो जाती थी उसके बाद ही वो न्यूज छप जाती थी, इससे कई बार वो न्यूज नहीं बाहर आ पाती थी, वो सूचनाएं बाहर नहीं आ पाती थी जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ वर्ग। तो प्रेस पर से प्रतिबंध हटाए जाए, ये भी मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी मांग रखी। शस्त्र अधिनियम था कि हथियार रखने को लेकर के भारतीयों पर काफी पाबंदी थी, उसके एक्ट कड़े थे, तो कहा गया कि भाई शस्त्र अधिनियम भी हटाया जाए जिससे कि भारतीय लोग भी अपना शस्त्र रख सके। और मैंने आपको बताया भी था कि 1857 की जब क्रांति मैंने पढ़ाई थी तो बताया भी था कि भारतीयों को सेना में कुछ पद नहीं मिल पाते थे, अच्छा वेतन नहीं मिल पाता था, उनके साथ दो दर्जे का बर्ताव होता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये मांग रखी ब्रिटिश से कि भाई जो सेना में जो उच्च पद हैं, बड़े पद हैं, उस पर भारतीयों की भी जो है नियुक्ति की जाए, जिससे कि भारतीयों को भी समान अवसर मिले उच्च पद पर रहते हुए भारतीयों की सेवा करें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग मांगे, अलग अलग चीजें रखी गई, और काफी हद तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्देश्य था,
तो दोनों तरफ से सफल हुआ है और इस निरंतरता के साथ में काम करते रहे। लेकिन जब भी कोई संगठन बनता है तो उसमें विचारों की भिन्नता भी होती है, अवसर के को ध्यान में रखते हुए कई बार हमारी मांग अलग होती है, हमारे विचारों में भी मतभेद हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आप देखें कि इसमें भी धीमे धीमे करके दो धड़े बनने लगे थे। एक जो लोग काफी हम्बल काफी पोलाइट थे, जो अपनी मांगे सी याचना अनुनय विनय के माध्यम से रखना चाहते थे, और दूसरा जो पक्ष था वो चाहता कि नहीं, हमको सिर्फ मेंढक कितने साल में एक बार टटराना नहीं, हमको अपनी मांग को सशक्त ढंग से रखना चाहिए। अगर नहीं मांगते हैं तो हमको उसके लिए कोई ठोस और तरीका निकालना जाना चाहिए, जैसा कि हम अभी जो अगला विषय हमारा है उस पर हम चर्चा करेंगे, तब पाएंगे कि इन दड़ों के बीच में कितना डिफ्रेंशिएशन हो गया था। 1905 में एक बड़ा विवादास्पद क्रांतिकारी और एक डिसीजन हुआ था जिसमें लॉर्ड कर्जन का नाम लेते ही बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि कौन सा विषय अब चर्चा होने में जा रहा है, क्योंकि वो उसके लिए ही जाना जाता था। बंगाल पार्टीशन, बंगाल का विभाजन। जब मैं बंगाल की बात करता हूँ तो कई बार हमारे विद्यार्थी हमसे कहते हैं कि इतना छोटा सा बंगाल है, उसका विभाजन सर कैसे हुआ? तो हम अपने आप को उस परिवेश में ले जा करके सोचें, जबकि हम ये बात कर रहे हैं 1905 की, तब बंगाल का मतलब सिर्फ आज का बंगाल नहीं है जिसपे ममता बनर्जी का शासन है। तब बंगाल का मतलब था एक प्रांत जिसमें उस समय का बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, वो भी बंगाल का पार्ट था। आज का पश्चिम बंगाल जो ममता बनर्जी जी के पास में है, जिसके वो मुख्यमंत्री हैं। तब का आज का जो बिहार है, आज का जो आपका झारखंड है, आज का जो आपका उड़ीसा है, लगभग 1874-75 में आसाम जो है बंगाल से अलग हो गया। पहले आसाम भी बंगाल का ही पार्ट था, जिसको कि कामरूप के नाम से जानते थे। तो बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये मिल करके पूरा बंगाल प्रांत बनता था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय बंगाल की जो टोटल आबादी थी वो भारतवर्ष की लगभग 1/4 आबादी थी। बंगाल की आबादी उस समय लगभग 7 करोड़ के आसपास की थी। तो कितना बड़ा बंगाल रहा होगा। और इतने बड़े बंगाल पर कायदे से अगर देखा जाए तो वास्तव में बड़े भू क्षेत्र पर, बड़ी भारी जनसंख्या पर एक साथ शासन करना आसान नहीं होता है। तो उसका जो विभाजन किया गया था उसके पीछे कारण तो ये दिया गया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, बंगाल की आबादी बहुत ज्यादा है, और इतनी बड़ी आबादी पर शासन करना, इतने बड़े भू क्षेत्र पर शासन करना आसान नहीं है, प्रशासनिक रूप से ये संभव नहीं है, तो क्यों ना बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, ये तो कहा गया। कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये तो कहा गया। लेकिन उसके पीछे एजेंडा क्या था, एजेंडा क्यों था ऐसा? क्योंकि तब तक भारत में राष्ट्रवाद जो था उसका जो मेन जो स्रोत था वो था बंगाल और बंगाली। तो ब्रिटिश हुकूमत ने यह प्रयास किया क्यों ना बंगाल का डिवीजन इस प्रकार से किया जाए कि जिससे कि बंगाल की जो ये यूनिटी है, जो राजनीतिक ताकत है उसकी, जो इसको तोड़ दिया जाए और बंगालियों को बांट दिया जाए, कुछ को भाषा के आधार पर, जैसे बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र था, उड़ीसा उड़िया भाषी क्षेत्र था, इनको भाषा के आधार पर, और बंगाल में बंगला आधारित क्षेत्र, और मेन जो था उनका उद्देश्य वो था सांप्रदायिक, डिवाइड एंड रूल, सांप्रदायिक उनका था किस तरह से बांटा जाए और शासन किया जाए। उसके दो भाग किए उन्होंने बंगाल के, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल जो पूर्वी हिस्सा था जिसमें आज जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, तो उसका जो राजनीतिक केंद्र जो बनाएंगे, सत्ता केंद्र बनाएंगे वो ढाका बनाएंगे। इसमें जो मुसलमानों की संख्या थी वो ज्यादा थी, लगभग 1,80,000 के आसपास जो है इसमें मुस्लिम थे, 1,20,000 के आसपास हिंदू थे। तो कम्युनल इसको किया गया कि जिससे कि यहाँ पर मुसलमानों का दबदबा बढ़ जाएगा, मुस्लिम संख्या में ज्यादा हो जाएंगे और हिंदू कम रहेंगे, तो यहाँ पर
चेक एंड बैरियर का काम करेंगे। और दूसरा क्षेत्र बनाया गया पश्चिमी बंगाल, जिसका केंद्र जो था वो कलकत्ता था, यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक थे, ये उनका मेन एजेंडा था, सांप्रदायिक धर्म के आधार पर विभाजन। लेकिन बताया उन्होंने कि प्रशासनिक चीजों के बारे में, और इसकी जो घोषणा की गई वो की गई 19 जुलाई 2005 में कि बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। और जैसे ही ये बात खबर लगती है तो बंगाल में काफी अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी ढंग से लागू कर दिया जाता है। 16 अक्टूबर जैसे ही प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, पूरे बंगाल में शोक की लहर फैल जाती है। लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि ब्रिटिश हुकूमत इस हद तक जा सकती है। उस दिन को 16 अक्टूबर को लोगों ने उपवास रखा, लोगों घरों में चूल्हे नहीं जले, मातम जैसा माहौल रखा उन्होंने, सड़कों पर खुद जुलूस निकाले गए, हर जगह हड़ताल की गई, सब चीजें दुकानें ऑफिस सब बंद किए गए, और लोग इकट्ठा होकर के गए और हुगली नदी में उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद में एक दूसरे के ना उसमें जाति देखी गई, ना उसमें धर्म देखा गया, ना उसमें संप्रदाय देखा गया, और एक दूसरे के हाथ में राखी, राखी मतलब एकता का पर्याय, एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी गई, और ये बताने और जताने का प्रयास किया गया कि हम सब एक हैं, हमको ब्रिटिश हुकूमत किसी भी स्थिति में बांट नहीं सकती है, वो चाहेंगे भी तो भी हम बांट नहीं सकते हैं। और वंदे मातरम का नारा जीने का सहारा बन गया, सड़कों पे लोग उतर आए और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आपसी भाईचारे का, आपसी एकता, आपसी प्रेम का जो उन्होंने मिसाल कायम करी। लेकिन सिर्फ इससे तो काम चलने वाला था नहीं, कांग्रेस ने डिसाइड किया, वहां के लोगों ने डिसाइड किया कि सिर्फ विरोध से काम नहीं चलेगा, इनका विदेशी इनके सामानों का, इनके वस्त्रों का, इनका बहिष्कार भी किया गया। और यहीं से एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बहिष्कार आंदोलन। मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े भारत में बड़े पॉपुलर थे, लिवरपूल का जो नमक था वो बड़ा यहाँ पे बिकता था, तो इन्होंने वहाँ के कपड़ों को, नमक को, उसका बहिष्कार किया है, यूज नहीं करेंगे, और उसके कंपैरिजन में जब हम उनकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनकी चीज़ों का बहिष्कार करेंगे तो हम इस्तेमाल क्या करेंगे। बड़ा आसान है कहना कि हम उनकी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर प्रयोग क्या करेंगे। तो इसके लिए आया स्वदेशी, हम विदेशी वस्तु स्वीकार नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। अगर बहिष्कार करेंगे तो स्वीकार क्या करेंगे। तब उसके मूवमेंट में एक पक्ष और जुड़ा, स्वदेशी, और ये बहुत ही सशक्त रूप से लागू हुआ। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्यों ऐसा किया गया, हम सब अभी भी देखते हैं, वर्तमान समय में भी देखिए कि जो अर्थतंत्र है ये कई बार इतना मजबूत होता है कि राजतंत्र पर भी भारी पड़ जाता है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, बड़े बड़े जो घराने थे, बिजनेस घराने जो थे, उन्हीं का कारोबार यहाँ पे कॉमर्स एंड ट्रेड हिंदुस्तान में होता था, और जब उनके वस्तुओं का वो बहिष्कार किया गया, जैसा कि अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि चीनी सामानों का जो है भारत में बहिष्कार किया जाए, चीनी वस्तुओं का नहीं यूज किया जाए, तो कितना जबरदस्त नुकसान चीनी सरकार को हुआ था, रेवेन्यू लॉस हुआ था, अरबों अरबों के माल जो है हिंदुस्तान में आना बंद हुए थे, तो कितना नुकसान होगा, इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है। और जब पूंजीपतियों का जब नुकसान होता है, तब वो वहाँ पर सीनेट में, वहाँ हाउस में उनके जो विधायक और सांसद होते वो प्रेशर बनाते थे कि भाई ऐसी पॉलिसी ना बनाई जाए कि जिससे कि हमारे माल का निर्यात वहाँ पर बंद हो जाए, लोग हमारे माल का बहिष्कार करें। तो कई बार ये बिजनेसमैन, ये पूंजीपति लोग लॉ एंड एक्ट, संसद में बनने वाले कानून तक को प्रभावित कर दिया करते थे। ये छोटा सा बहिष्कार आंदोलन, ये स्वदेशी आंदोलन इनडायरेक्टली ग्रेट ब्रिटेन के सीनेट में, ग्रेट ब्रिटेन के हाउस में भी असर डालता था।
जब उनके बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करना हमने बंद किया तो नेचुरल सी बात है कि हमारे यहाँ स्वदेशी का नारा दिया गया, वो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का नारा दिया गया। अब घरों के बने हुए सूत के मोटे कपड़ों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा और मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक का बहिष्कार होना स्टार्ट हो गया। स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो गर्म पंथियों ने जब देखा, इसका इम्पैक्ट देखा, इसका असर देखा, तो जो थोड़ा सा उग्रवादी सोच के थे, जो कांग्रेस के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि इस मूवमेंट को सिर्फ विदेशी कपड़ों तक सीमित ना रखा जाए, इस मूवमेंट को सिर्फ विदेशी कपड़े तक सीमित ना रखा जाए, जबकि इसका विस्तार किया जाए, इसमें विदेशी अन्य मालों का भी बहिष्कार किया जाए, विदेशी शराब का भी बहिष्कार किया जाए, विदेश जो ब्रिटिश नौकरियां उनका भी इस्तेमाल किया बहिष्कार किया जाए, ब्रिटिश जो स्कूल थे उनका बहिष्कार किया जाए, अदालतों का बहिष्कार किया जाए, उनकी रेलवे का बहिष्कार किया जाए, ऐसे बहुत सारी चीजों का, हर जिससे भी ब्रिटेन को 2 पैसे की इनकम होती हो, जिससे कि उनका शासन तंत्र मजबूत होता हो, उस हर चीज का बहिष्कार किया जाए और उसके एवज में अपनी स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार किया जाए, और हमारा जो गोल हो वो गोल सिर्फ बंगाल पार्टीशन कोई रोकना ना हो, बल्कि हमारा जो गोल हो वो अब सीधे सीधे स्वराज हो। तिलक जी का भी नारा भी था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसको लेकर के ही रहेंगे। तो स्वराज पर फोकस किया जाए, लेकिन जो नरम पंथी थे, चाहे उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हों, चाहे उसमें गोपाल कृष्ण गोखले हों, चाहे दादा भाई नेहरूजी जी हों, इन लोगों का मानना था कि नहीं, ये आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हुआ है। उग्रवादी विचारधारा के लोग लाल बाल पाल अरविंदो घोष, ये लोग चाहते थे कि नहीं, इसका अगर वास्तव में ब्रिटिश हुकूमत से छुटकारा पाना है तो सिर्फ बंगाल ही नहीं, संपूर्ण भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करना चाहिए और पूरे भारत को इसमें शामिल करना चाहिए। यही वो समय है जब ब्रिटिश हुकूमत को चोट पहुंचाई जा सकती है और उसको गिराया जा सकता है, लेकिन नरमपंथी इससे सहमत नहीं थे। तो एक आइडिया का जो था वो डिफ्रेंशिएशन आ गया, इनकी चॉइस उनकी चॉइस में अंतर आ गया और ये अंतर वी शेप में काम करना स्टार्ट कर देती है और दोनों का अंतर बाद में इतना बड़ा हो जाता है कि दोनों अलग हो जाते हैं, कि वो इससे सहमत नहीं होते हैं। उदारवादी से बंगाल तक सीमित रहना चाहते थे, लेकिन धर्मपंथी जो थे पूरे देश में इसको फैलाना चाहते थे और पूरे देश में बहिष्कार लाना चाहते थे और उनका लक्ष्य था वो स्वराज था। इस प्रकार से हम जो 1906 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन भी होता है तो वहां पर दोनों पक्षों में जो नरम दल के थे, जो गर्म दल के थे, जो बहिष्कार को पूरे भारत में लेना चाहते थे, इन लोगों में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के काफी बवाल हुआ और कहा कि भाई नहीं, हमारी ये नीतियां होनी चाहिए। तो जब दादा भाई नेहरू जी का नाम सुझाव दिया जाता है तो दादा भाई नेहरू जी का सब बड़ा सम्मान करते थे, तो इसलिए कोई विरोध नहीं कर पाता। 1906 में ये विभाजन नहीं हो पाता नरमपंथियों गर्मपंथियों के बीच में और दादा भाई नेहरू जी को सर्वमान्य कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इस प्रकार से कलकत्ता के अधिवेशन में और हमारी जो कांग्रेस थी वो टूटने से बच जाती है। इसी जो बंगाल विभाजन जो चल रहा था इसमें बहुत सारी चीजें अगर आप देखें तो शांति निकेतन के ही तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की भी स्थापना हुई थी इसी समय पर। वो आज भी एक टैगोर जी ने एक गाना लिखा था, कविता लिखी थी, अमार सुनार बांग्ला, जो वर्तमान में जो आप देखते होंगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सुनार बांग्ला, वो भी इसी समय की रचना है। तो सांस्कृतिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी और सांस्कृतिक स्तर पर भी काफी कुछ स्वदेशी का निर्माण हुआ और राष्ट्रवाद की भावना काफी चरम तक पहुंची। ये आंदोलन इतना ज्यादा उग्र हो गया कि लोगों को कहीं ना कहीं ये दिखने लगा कि हम आजादी भी पा सकते हैं, स्वतंत्र भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में ही अंग्रेज अपनी कुटिल चालें चल रहे हैं,
एक तरफ तो वो कांग्रेस में भी स्प्लिट पैदा कर रहे थे गरम दल और नरम दल के बीच में, और इसी बीच में 1906 में उन्होंने भारतीय जो मुसलमान थे, बंगाल के जो मुसलमान थे, उनको भी कहा कि आपके हित तो अलग हैं। ज्यादातर जो बंगाल में जो भूस्वामी थे, जो जमींदार थे, वो हिंदू थे, और जो खेतियर मजदूर थे, जो मजदूरी करते थे, जो गरीब किसान थे, वो ज्यादातर मुसलमान थे। उनसे कहा कि आपके तो हित अलग हैं, आप इनके साथ क्यों शामिल। और 1906 में उन्होंने ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के माध्यम से और आगा खां के माध्यम से मुस्लिम लीग का गठन किया, और मुस्लिम लीग काफी हद तक बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी मूवमेंट से काफी हद तक अपने आप को उन्होंने दूर रखा, क्योंकि वो अब कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत की सरपरस्ती में आ गए थे। कि मुस्लिम्स को भी लगने लगा था कि 1857 की क्रांति के बाद में कि उनको जिस प्रकार से आइसोलेशन में रखा गया, जिस प्रकार से उनको मुख्य धारा से किनारे किया गया, उनको लगा कि मुसलमानों को, भारतीय मुस्लिम्स को लगा कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत का संरक्षण या उनके कृपा पात्र जरूरी है, अदरवाइज पॉलिटिकल लॉस के साथ साथ में काफी लॉस हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया उसके पीछे भी अंग्रेजों की मंशा डिवाइड एंड रूल की थी, इस प्रकार से ये अलग हो जाए। और यही कारण था कि 1906-07 में बंगाल में भीषण दंगे भी हुए, पूरा आंदोलन ही दिशाविहीन हो जाता है, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता तो काफी हद तक मुस्लिम्स भी स्वदेशी आंदोलन से और बंगाल विभाजन आंदोलन से दूर हो जाते हैं। और 1906 के बाद में अगर आप देखें कि 1906 तक आते आते कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथी में भी विचारिक मतभेदता इतनी ज्यादा हो जाती है कि अंततः 1907 में आप देखिए सूरत में स्प्लिट हो जाता है, वो लोग अलग हो जाते हैं। फिर 1906 के बाद में जब 1907 आता है, तब तक की कांग्रेस के दोनों पंथों के विचारों में बहुत भिन्नता आ जाती है, और दोनों एक दूसरे के साथ काम करने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं। ऐसे में 1907 में सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वो अधिवेशन कम से कम करीब करीब काफी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठित होते हैं, वो अधिवेशन अंततः जो है शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो जाता है, और एक दूसरे के प्रति दोनों लोग अपनी शक्ति और उसका इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी इसमें लड़ाई मारपीट वगैरह हो जाती है, और काफ़ी लोगों को इसमें चोटिल भी होते हैं। और इस प्रकार से 1907 में सूरत में नरमपंथी और गर्मपंथी भी अलग हो जाते हैं। तो ब्रिटिश की जो चाल थी वो काफ़ी हद तक कामयाब हो जाती है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया, 1907 में सूरत में नरमपंथी और गर्मपंथी दल अलग हो जाते हैं। अब जो नरमपंथी लोग थे वो बड़े संख्या में ज़्यादा थे, वो अलग हो जाते हैं, और गर्मपंथी अलग हो जाते हैं। गर्मपंथियों में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ये लोग अपना एक धड़ा अलग कर लेते हैं। और जैसे ही ये अलग होते हैं, ये बात ये समझ ही नहीं पाते हैं दोनों नरमपंथी गर्मपंथी कि नरमपंथियों के कारण, क्योंकि वो लोग लिबरल थे, नरम पंथियों के कारण ही ब्रिटिश हुकूमत गर्म पंथियों को कुचल नहीं पा रही थी, उनके खिलाफ जो है शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, और गर्म पंथियों के आवेश और गर्म पंथियों के जो प्रदर्शन का जो तरीका था, जो शक्ति थी, उसके कारण जो है वो नरम पंथियों की बात सुनते थे। वो सोचते थे कि अगर नरम पंथियों से बात नहीं सुनेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, तो गर्म पंथी पता नहीं अभी क्या क्या माहौल खड़ा करेंगे, तो उससे वो उनको रिगार्ड देते थे। तो कहीं ना कहीं गर्मपंथियों के लिए नरमपंथी कवच का काम करते थे, और नरमपंथियों के लिए गर्मपंथी कहीं ना कहीं उनके लिए घी का काम करते थे। तो दोनों लोग के का बैलेंस के कारण ब्रिटिश हुकूमत झुक जाया करती थी, ये वो तोड़ने में कामयाब हो गया। और जैसे ही ये सूरत स्प्लिट हुई, तो जितने भी गर्मपंथी नेता थे, तिलक घोष हैं, विपिन चंद्र पाल, इनको सबको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, और काफी दमन किया जाता है इन लोग का, कि लौट के आने के बाद, जेल से आने के बाद में आप देखते हैं कि फिर एक शक्ति शून्यता स्थापित हो जाती है, और अरविंद घोष को संन्यास तक ले लेते हैं, और लाल लाजपत राय वापस पंजाब चले जाते हैं, तिलक
पाँच छः साल के लिए जेल में चले जाते हैं। इस बीच में धीमे 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 करके नरमपंथी जो है अपना कार्य करते रहते हैं। ऐसे में 1919 में घटना और घटित होती है जो इसको हम मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। तो मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताना समझाना चाहूँगा। हम लोग सुन तो लेते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेगो चेल्सो सुधार, लेकिन हमने शायद जानने का कोशिश नहीं करते कि इसमें मॉर्ले मिंटो क्या है। हमने बताया था कि 1858 में जो एक्ट आया था उसमें एक इंग्लैंड में ब्रिटेन में एक भारत सचिव नाम का एक पद बनाया गया था जो कि भारत वहाँ रह करके भारत को संभालते थे। जो उसमें पहला नाम है मॉर्ले वो भारतीय सचिव हुआ करता था और मिंटो जो था वो भारत का वायसराय गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो भारत सचिव का नाम पहला था क्योंकि बड़ी पद पर था, उसके बाद मिंटो। तो ये जो सुधार होते थे भारत सचिव ये ऐसे ही मॉन्टेग्यू चेल्सो सुधार, मॉन्टेग्यू जो थे वो ब्रिटेन में भारत सचिव थे और चेल्सो जो थे तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल। तो इसका एक जो पॉइंट था जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ उस पर कि इसमें मॉर्ले मॉन्टेग्यू मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। ये कम्युनल था पूरा कि मुस्लिम लोग जहाँ मुस्लिम बहुत संख्या है वहाँ से अब मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिलेगा और मुस्लिम लोग भी मुसलमान को वोट दे करके अपना चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरा कम्युनल किया गया और आने समय में देखेंगे कि धीमे 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 मुस्लिम्स ने इसको मांगा। 1907, 1908 में, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, 1909 में उनको अलग से निर्वाचन पृथक निर्वाचन उनको दे दिया गया। कितनी जल्दी उनकी बात सुन लेंगे क्योंकि अब उनके ऊपर ब्रिटिश का कहीं ना कहीं संरक्षण था क्योंकि उनकी पॉलिसी थी एक को पास कर लो एक को दूर कर लो, तो जो पास आएगा वो हमारा हो जाएगा दूर होगा वो। इस प्रकार से क्या ये दोनों धड़े अलग हो जाएंगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उनकी काम कर जाएगी। ऐसे में ही 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया और दिल्ली दरबार में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। नंबर एक, जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया और फिर से उसका पुनः यूनिफिकेशन कर दिया गया कि जो योजनाएं बनाई गई थी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो 1911 में उसको विड्रॉ कर लिया गया और बंगाल पार्टीशन रद्द कर दिया। नंबर दो, क्योंकि अब तक ब्रिटिशर्स की समझ में ये बात बहुत अच्छे से आ गई थी कि जो राष्ट्रवाद है जो क्रांति है वो सब बंगाल से शुरू होती, इसलिए कलकत्ता में राजधानी को बनाए रखना अनसेफ है, तो क्यों ना राजधानी यहाँ से ट्रांसफर कर दी जाए कहाँ, दिल्ली के लिए। तो 1911 में ये घोषणा की गई कि जो भारत ब्रिटिश भारत की जो राजधानी होगी वो क्या होगी, वो दिल्ली होगी। 1911 में घोषणा की गई और 1912 में राजधानी ट्रांसफर करी गई। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजधानी ट्रांसफर कब हुई, दोबारा राजधानी ट्रांसफर घोषणा कब की गई, तो 11 इसको मिसमैच ना करें, 11 में घोषणा हुई 12 में ट्रांसफर की गई। जब 12 में राजधानी ट्रांसफर की गई दिल्ली में तो जो जुलूस निकल रहा था तो उसमें लॉर्ड हार्डिंग साहब सवारी करके आ रहे होते हैं, तो तभी जो है उनके ऊपर 1912 में राज बिहारी बोस ने दिल्ली में बम फेंका। वो घायल जरूर हुए लेकिन और लोगों की इसमें और महिलाओं की मृत्यु हो गई और घायल हुई। तो ये घटना है बड़ी इंपॉर्टेंट थी 2012 में। और तभी हम देखते हैं कि 2012 के बाद 1914 में पूरी दुनिया में विश्व युद्ध छिड़ गया, पूरी दुनिया में विश्व युद्ध छिड़ गया और ये बेसिकली यूरोप में छिड़ा था जिसमें अलग अलग राष्ट्र एक तरफ हो गए, मित्र राष्ट्र एक तरफ हो गए, ध्रुवी राष्ट्र एक तरफ हो गए। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन फ्रांस ये सब एक तरफ हो गए और जर्मनी इटली सर्बिया ये एक तरफ हो गए। और इस युद्ध की जो आंच थी वो हिंदुस्तान तक भी आई। नेचुरल सी बात है क्योंकि हिंदुस्तान जो था ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो पैसा यहाँ से लगना था, सेनाएं यहाँ से जानी थी। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और भारत के लोगों से सहयोग मांगा कि आप हमको इस विभीषण स्थिति में, इस भीषण स्थिति में हमारी सहायता करिए, हमारा सहयोग करिए और जब ये युद्ध खत्म होगा और हम विजित हो जाएंगे तब हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे और आपका सहयोग करेंगे, लेकिन अभी आप हमारा सहयोग करिए, आप हमारी मदद करिए।
तो काफी सोच विचार के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनको अपना सहयोग प्रदान किया। बहुत सारे लोग, भारतीय लोग इस अवसर की तलाश में थे कि क्यों ना ये सही टाइम है, लोहा गर्म है और चोट कर दी जाए और भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया जाए, इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 1915 में एक महत्वपूर्ण घटना और घटती है कि उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है, जो उदारवादी थे और उनसे भी ज्यादा एक उदारवादी कर्मठ नेता भारत की जमीन पर वापस आ चुका था। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको कि हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और महात्मा गांधी का नाम तब तक की भारत के लोगों में अच्छी तरह से व्याप्त हो चुका था। लोग जानने लगे थे कि गांधी नाम की कोई ऐसी शख्सियत है जो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर सके, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी साउथ अफ्रीका में किया था वो भारतवर्ष के घर घर में लोगों तक बात पहुंच चुकी है। और जब ऐसे में भारत में उनका आगमन हुआ 1915 में, तो वो सीधे राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं कूद पड़े। पहले उन्होंने भारत का अध्ययन करना स्टार्ट किया। काफी समय हो गया था गांधी जी को बाहर रहते हुए, बैरिस्ट्री उन्होंने लंदन में की थी, फिर जब लौट के आए तो उसके बाद में साउथ अफ्रीका चले गए एक मुकदमे के चक्कर में, फिर वहीं होकर के रह गए। और जब वहां से वापस आए तब तक यहाँ की परिस्थितियाँ काफी बदल चुकी थी। उन्होंने उसका अध्ययन करना स्टार्ट किया और भारत भ्रमण करना स्टार्ट किया। जहां भी जाते थे लोग बड़े जोश खोश के साथ उनका स्वागत सत्कार करते थे, उनसे मिलते थे, उनसे जुड़ते थे। इस प्रकार से काफी हद तक जो है भारत के लोगों में वो पॉपुलर हो चुके थे गांधी जी, और यही से धीमे धीमे रिमोट भी उनके हाथ में आना स्टार्ट हो जाता है। जब भारत में आते हैं तो छोटे छोटे दो तीन आंदोलन वो जनता के आह्वान पर करते हैं। एक शुक्ला जी थे, उनके पीछे पड़े हुए थे, लगे हुए थे, कह रहे कि गांधी जी एक बार आप जो है चंपारण आइए, देखिए चंपारण में किसानों की स्थिति क्या है। चंपारण बिहार में महत्वपूर्ण जगह है, तो कह रहे वहां आइए और देखिए आकर। उस समय नील की खेती होती थी, नील जिससे कि कपड़े डाई किए जाते हैं, नील की खेती होती थी। लेकिन जर्मनी ने जो है रासायनिक रंग बनाने का इजाद कर लिया था, तो काफी हद तक बहुत धीमे धीमे वो नील का कारोबार भी जो है ठप होने लगा था। रासायनिक रंग सस्ते ही पड़ते थे और आसानी से बनाया लिया जाते। तो नील की खेती के लिए जो जो ब्रिटिश बागान जो मालिक थे, वो नील की खेती के लिए भारतीय किसानों को बाध्य किया करते थे कि तीन हिस्से पर आपको नील की खेती पैदा करनी करनी है। तो ये कहलाती थी व्यवस्था तीन कठिया पद्धति। तो शुक्ला जी के आह्वान पर गांधी जी चंपारण जाते हैं और देखते हैं और फिर वहां के किसानों को आंदोलित करते हैं और उनके आंदोलन को सपोर्ट भी करते हैं। एक समय तो आया कि अंग्रेजों ने सोचा कि लोग गांधी जी को कुचल दें और उनको अरेस्ट करते हैं, लेकिन लोगों को ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि अगर ऐसा किया जाता है तो ये रातों रात हीरो बन जाएंगे और इतनी छोटी सी चीज के लिए एक बड़ी चीज को मॉनेस्टर को क्यों खड़ा किया। तो उन्होंने गांधी जी की मांग को मान लिया, कहा ठीक है, और ये उनकी विजय होती है वहां पर। अब वो किसानों के वहां पे हीरो बन जाते हैं और उनको लगता है कि ये नया तरीका था, क्योंकि ब्रिटिशर्स की धमकी के बावजूद भी गांधी जी नहीं माने और गए और बड़े अनुनय निवेदन के साथ में उन्होंने उस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। हिंदुस्तान के लिए नई बात थी। तिलक जी जितने भी नरमपंथी थे, जितने गर्मपंथी थे, उनको लगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या ऐसे भी कोई आंदोलन किया जा सकता है और सफल हुआ जा सकता है। गांधी जी सफल हुए। उसके बाद में अहमदाबाद में मिल मजदूरों का जो मजदूरी बढ़ाने को लेकर के आंदोलन हुआ था, हालांकि मिल मालिक जो थे गांधी जी के बड़े अच्छे मित्र थे, लेकिन जब वहां गए तो उन्होंने मजदूरों के हक की बात करी और मिल मालिक इसके लिए सहमत हो गए और मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार से ये दूसरा उनका सक्सेसफुल आंदोलन रहा अहमदाबाद का। फिर तीसरा था खेड़ा। खेड़ा में टैक्स को लेकर के वहां पे आंदोलन चला, किसानों को जो लगान जो था वो माफ नहीं हो रहा था, बढ़ा हुआ था। तो वहां पे भी गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिल करके
खेड़ा में, नहीं खेड़ा की महिलाओं ने बुलाया वो, और ये वहां गए और फिर आंदोलन हुआ, और खेड़ा के आंदोलन में भी गांधी जी को सफलता मिलती है। और इस प्रकार से जो तीनों आंदोलन थे उनके, चाहे चंपारण, चाहे अहमदाबाद मिल मजदूर, चाहे वो खेड़ा, तीनों कामयाब होते हैं। और गांधी जी 100% टैक्स रिबेट नहीं मिलता, 25% ही टैक्स रिबेट मिलता है, तो लोग कहते हैं कि नहीं गांधी इस पर सहमत ना हुआ जाए, लेकिन गांधी कहते नहीं इस पर ही सहमति मान ली जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा और आंदोलन कहते ज़्यादा हो जाए, तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं इनका मनोबल तोड़ना बहुत जरूरी है, ये छोटी सी जीत ही हमारे लिए बहुत बड़ी जीत का अमृत बनी हुई है, उसके लिए हमारे लिए ये संजीवनी बूटी का काम करे। और हार तो हार ही है, चाहे वो 5 पैसे की हो चाहे 5,000 की। इस प्रकार से ये तीनों आंदोलन के माध्यम से गांधी जी भारत में एक सर्वमान्य फिगर बन जाते हैं। इसी बीच में आप देखिए 1916 में एक महत्वपूर्ण घटना फिर घटती है गांधी जी के आने के बाद। 15 में गांधी जी आए, 15 में गोखले की मृत्यु हो गई, 16 में लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो जो 1905-06 में घटनाएं घटी, 1905 में सूरत में स्प्लिट हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, तीनों अलग अलग हो गए, नरमपंथी अलग, गर्मपंथी अलग और मुस्लिम लीग अलग। तो 1916 में लखनऊ में ये तीनों धड़े, नरमपंथी, गर्मपंथी और मुस्लिम लीग, फिर एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ आते, इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत के मन में और बेचैनी पैदा करने वाली घटना थी, अब वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। इधर वर्ल्ड वॉर चल ही रहा होता है 1914 से लेकर के 1919 के बीच, और इस वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश हुकूमत को सहयोग, जो वो सहयोग की अपील थी उसको मान लेती है, उनको सहयोग करती रहती है, लगातार करती रहती है। लेकिन 1919 में अचानक एक घटना और घटती है, एक रोलेट एक्ट, मिस्टर रोलेट के नेतृत्व में एक रोलेट एक्ट बनाया जाता है। और रोलेट एक्ट की खास बात ये थी कि बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी वारंट के, कभी भी किसी को भी पुलिस जो है उठा सकती थी कहीं से अरेस्ट कर, बिना किसी अरेस्ट को, बिना कोई कारण बताए। तो ऐसा जब एक्ट आता है तो एक प्रकार से ये कुठाराघात था भारतीयों की स्वतंत्रता पर, कुठाराघात था। और जो जिस कानून की दुहाई दिया करते थे उस कानून के खिलाफ था, ये ब्लैक कानून था, काला कानून था, तो इसका विरोध किया जाता है। और ऐसे में डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है इसी एक्ट के तहत। जब इन लोग को अरेस्ट किया जाता है तो इसकी अगेंस्ट में जो लोग हैं वो अमृतसर में जलियांवाला बाग, एक जगह है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास में ही है जलियांवाला बाग है, बैसाखी का दिन होता है संभवतः 13 अप्रैल 1919 को, वहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया जाता, शांतिपूर्ण मीटिंग थी, उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे और सभी लोग थे वहाँ पे, बैसाखी के दिन आकर के एकत्रित हुए थे और उसी पे मीटिंग स्टार्ट हुई थी। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल होता है जनरल डायर, वो बख्तरबंद गाड़ियों के साथ में, हथियारबंद लोगों के साथ में वहाँ पहुँचता है, और बिना किसी सूचना के, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के वो वहाँ पर भीषण रूप से गोली चलाने का ऑर्डर देता है और नरसंहार होता है। ये भी पूरी दुनिया में बहुत ही नरसंग हत्याकांड था ये, और इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते, करीब 1100-1100 के आसपास महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाते हैं और उसमें डूब करके उनकी मृत्यु हो जाती है। शायद ही कोई दीवार ऐसी हो, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से खुद देखा भी है वहां गया, कि शायद ही कोई दीवार ऐसी हो जिसपे कि बुलेट्स के निशान, गोलियों के निशान ना हो, तो वो एक बड़ी दर्दनाक घटना घटती है। और उसी के बाद में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इससे पूरा भारतवर्ष शोक में चला जाता है कि ये बहुत ही एक दुर्दनाक दर्दनाक घटना घटती है। और उसी समय 1919 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो अपनी मांगे ब्रिटिश के सामने रखती है, और जब वो अपनी मांग उनके सामने रखते हैं
कि हमने आपका 1914 से लेकर के 1919 के बीच में आपका सहयोग किया है, आपका सपोर्ट किया है, अब समय आ गया है कि आप हमारी मांगे माने और हमारा सहयोग करें। तो बजाय सपोर्ट करने के, चूंकि तुर्की इस युद्ध में जर्मनी के साथ मचा और जब जर्मनी की पराजय हुई तो वो तुर्की की भी पराजय थी, तुर्की भी पराजित हुआ और तुर्की की पराजय के साथ ही वहाँ तुर्की में ब्रिटिश एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया जाता है और वहाँ के खलीफा को पदच्युत कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो चूंकि तुर्की में जो जो खलीफा होता है जो वो पूरे मुस्लिम जगत का सर्वमान्य खलीफा होता है और पूरा मुस्लिम जगत उसकी अर्चना करता था, उनकी श्रद्धा करता था, जब उनको पदच्युत किया था, अरेस्ट किया जाता है तो पूरे दुनिया के मुस्लिम जो है इसके खिलाफ हो जाते हैं और भारतवर्ष में भी एक मूवमेंट स्टार्ट होता है इसी के अगेंस्ट में, इसी खिलाफत में, जो कि खिलाफत मूवमेंट कहलाता है। जब खिलाफत मूवमेंट हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ अली बंधुओं के माध्यम से, तो गांधी जी ने इस खिलाफत मूवमेंट को अपना सहयोग, अपना संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था कि जो अभी तक की मुस्लिम लीग के गठन के बाद से जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने इजाद की थी, इख्तियार की थी, और जो सांप्रदायिक माहौल जो हिंदुस्तान में बनाया था और मुस्लिम लीग को भी हवा दी जा रही थी कि जिससे मुस्लिम की सोच अलग हो, भारतीयों की सोच अलग हो और ये आपस में क्लैश करें, तो गांधी जी को लगता है कि ये अच्छा एक मौका है कि जब हम इस खाई को पाट सकते हैं। तो गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का झंडा बुलंद किया और पूरी तरीके से खिलाफत मूवमेंट उनके साथ हो गया और इस मूवमेंट को लेकर के पूरे भारतवर्ष मुसलमानों के साथ साथ में भारतीयों को भी जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया और इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के मुस्लिम्स और हिंदू तुर्की के खलीफा के समर्थन में सड़कों पर उतर आए और खिलाफत मूवमेंट बहुत जोरों से हिंदुस्तान के अंदर चलने लगा। तो ये सहयोग उन्होंने खिलाफत मूवमेंट में, खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने अपना प्रदान किया। और जब खिलाफत मूवमेंट जब समाप्त होता है, तो चूंकि हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, इस विश्व युद्ध में भारतीयों ने पूरी तरीके से, खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरी तरीके से अंग्रेजों का, अंग्रेजी हुकूमत का सपोर्ट किया और भारतीय सैनिक जो भारतवर्ष के सैनिक थे जो अभी तक समुद्र पार जाने में हिचकिचाहट महसूस करते थे, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि जो भी समुद्र के पार जाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो हिंदू धर्म में नहीं रह जाएगा। तो इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक, ज़्यादातर पंजाब के लोग जो सेना में गए और विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से पार्टिसिपेट उन लोगों ने किया था, पूरी तरीके से सहयोग किया, पैसे से भी सहयोग किया, आर्थिक रूप से भी भारतीयों ने काफ़ी सहयोग किया और इस बीच में कोई बड़े आंदोलन ऐसे नहीं चलाए गए जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत का दिमाग या दिशा उनकी डाइवर्ट हो पाती, सहयोग उनको किया गया। भारतीय फौजें विभिन्न प्रांतों में जा जा करके अंग्रेजों के लिए लड़ी, उनको पूरी तरह सपोर्ट किया। तो वो सपोर्ट के एवज में उनको उम्मीद थी कि हमको कुछ मिलेगा, लेकिन जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेल्फोर्ड सुधार जब आया तो दोनों हाथ भारतीयों के खाली। राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे। अब उनको लगा कि हमारी मांगे तो मानी नहीं गई, क्योंकि हमने इनको पूरा सहयोग किया उसके बावजूद हमारी मांग नहीं मानी गई। और उसी के बाद हम देखेंगे अगले लेक्चर में, हम इससे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भारत में अब अभी तक सहयोग की बात की जा रही थी और जो अगला मूवमेंट आएगा, गांधी जी यहाँ से अपने आप को, अपने हाथ में भारत की राजनीति की धुरी को कैच करते हैं और यहीं से फिर असहयोग आंदोलन का सूत्रपात होता है। अभी तक सहयोग था, अब असहयोग, और हम इस पर आगे की चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो पुस्तकें हैं इस पर आप इग्नू के नोट्स आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस पर एक बहुत अच्छी किताब है विपिन चंद्रा की, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, इस किताब को आप रेफरेंस बुक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो और बी एल ग्रोवर की पुस्तक है,
इन मैटर को कंटेंट को आप देख सकते हैं जो संबंधित जो आज टेम्पल पर चर्चाएं की। और इसी के साथ मैं आज का ये अपना संवाद समाप्त करता हूँ। अगले में फिर हम लोग गांधी एरा की बात करेंगे, गांधी के आंदोलनों की बात करेंगे और क्रांतिकारी जो उदय होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।